गाड़ी में जाते टाइम अगर हम आगे देखेंगे कि चेकिंग चल रहा है, तो जितने तेजी से हम यू टर्न ले लेते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से दोस्तों आज के दिन मार्केट सेकेंड हाफ पे यू टर्न लिया है। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे जुड़े हैं, मेरे भाई ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे भाई क्या कर रहे हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हो, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि 2 दिन दोस्तों, 2 यू टर्न तो नहीं लेकिन 1 फ्लो में जो मोमेंटम है उसको हमने पकड़ा है। 52,000 के नीचे आज के दिन लाइव मार्केट में 10:23 पे क्लियरली कहा था सेल कर लीजिए, जैसे ही ब्रेक डाउन किया दोस्तों 200 पॉइंट सामने दे दिया मेरे भाई, पुट बाय करो। 2 कैंडल में वैसे भी आपको 80 से 90 पॉइंट मिल जाता ऑप्शन पे, उसके बाद तो दोस्तों इंडेक्स 200 पॉइंट मूवमेंट किया है डाउन की तरफ। तो जाके दोस्तों अभी के अभी ज्वाइन टेलीग्राम बोल के जो लिखा हो उसको लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इवन कल के दिन भी दोस्तों जो भी मैंने सेल का लेवल दिया था ना 26,316 के नीचे निफ्टी को सेल करने के लिए, वो सब कुछ दोस्तों काम दिया है। जैसे ही निफ्टी का लेवल ब्रेक डाउन किया 170 पॉइंट कल के दिन गिरा है, आज के दिन भी दोस्तों अलग ही लेवल पे था। इवन प्रीमियम वाले ग्रुप पे भी 52,500 का जो मैंने पुट दिया था 541 से दोस्तों वो कहीं ना कहीं लाइक 491 से 541 वो हाई मारा है, और सेकेंड ट्रेड अलग लेवल पे था 525 से दोस्तों 676 वो हाई मारा है। दोनों ट्रेड में दोस्तों अलग लेवल पे प्रॉफिट मिला है 10,000 6,000, तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन मेरे भाई बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी में क्या हो सकता है वो सब देखने वाले हैं। आप बोलोगे सेंसेक्स का एक्सपायरी है उसका हमें वीडियो चाहिए, मेरे भाई मेरे दोस्त इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। और दिक्कत यहां पे आता है मेरे भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट दिखा दिया करो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं। और देखिए आप सब लोगों के लिए डेली में 2 वीडियो डालता हूं, तो प्लीज एक वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो का लाइक टारगेट है 120 लाइक दोस्तों। कल के दिन मैंने जो लाइक टारगेट दिया था थोड़ा दुख हुआ, पूरा हुआ ही नहीं, 5-6 कहीं ना कहीं नंबर से बच गया, लेकिन आज का पूरा होना चाहिए मेरे भाई। 120 लाइक करके दिखा दो यार, और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बता दीजिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्लान नंबर अगर मैं एक ही बात करूँ बैंक निफ्टी का, परफेक्टली प्लेस पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है, ट्रेंडिंग मोमेंटम आ सकता है। कल अगर इसी प्लेस में खुला, फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला या फिर गैप डाउन एंड देन 52,362 अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखा, देन डेफिनेटली दोस्तों हम कहीं ना कहीं पुट के तरफ जाएंगे, सॉरी कॉल के तरफ जाएंगे, सॉरी 52,362 के ऊपर डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं कॉल के तरफ जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? सिंपल रीजन है, 52,362 अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां से कहीं ना कहीं कल के दिन मार्केट नीचे गिरा था, आज के दिन मार्केट खुलते ही पहला ही कैंडल जैसे ही रेजिस्टेंस जोन को टच किया, यहां से अगर आप देखोगे डाउनफॉल का मोमेंट आया। 2 बार आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों एक ही लेवल 52,362 लेवल को टच करके डाउनफॉल का मोमेंटम दिया है, लेकिन आखिरी टाइम पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी कंप्लीटली रिकवर कर दिया अपने आप को, और यही बताता है कि बुलिशनेस है, क्लियरली शो कर रहा है दोस्तों सेकेंड हाफ का जो अपमूव था। तो कल के दिन अगर 52,362 ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा, देन डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं बाइंग के तरफ जाएंगे। ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको, क्योंकि ये 2 बार ऑलरेडी दोस्तों रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, तो कल कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूव मिल सकता है, और 52,514 के ऊपर और भी अच्छा खासा मूव मिलेगा, क्योंकि ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये अगर टूटेगा तो अगेन बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ये क्लियर व्यू है दोस्तों। ओके, दूसरा व्यू अगर मैं दूं आपको प्लान बी, तो कल के दिन अगर फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुलेगा, उसके बाद अगर 52,100 बिलो आपको प्राइस सेक्शन दिखेगा, प्रॉपर प्राइस सेक्शन दिखना चाहिए, ऐसे नहीं थोड़े ब्रेक डाउन करके एक ही कैंडल क्लोज दे दिया तो आप पुट बाय करेंगे, नहीं प्रॉपर दोस्तों प्राइस सेक्शन दिखना चाहिए 52,100 के नीचे, तो ही हम पुट के तरफ जाएंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल है दोस्तों, अगर आप देखोगे पहला रीजन है ट्रेंड लाइन, एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया अपसाइड का मोमेंटम दिया, दूसरी बार दोस्तों ट्रेंड लाइन को डॉट टच किया अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो अगर कल के दिन
ये वाला ट्रेंड लाइन यहां से आपको टूटता हुआ दिखा तो ट्रेंड में आपको क्रैकडाउन दिखेगा, लेकिन 52,000 जो 100 का लेवल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो एक बार इसी लेवल कल के दिन बार बार ये लेवल सपोर्ट ले रहा था यार, 52,100 का लेवल देखिए, एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, दो बार सपोर्ट लिया अपसाइड का मोमेंटम दिया, आज के दिन यही सपोर्ट जब जोन जब टूट गया ना, यानी कि सपोर्ट लेवल जब टूट गया ना तो ये सपोर्ट लेवल ही रेजिस्टेंस बना था, और यही रेजिस्टेंस फिर जब बाद में आज के दिन आखिरी टाइम पे टूटा है तो ये रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट बन चुका है। तो कल के दिन अगर इसके नीचे जाएगा तो हम पुट के तरफ जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरा अगर मैं व्यू दूं यानी कि प्लान नंबर सी के तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कल के दिन अगर मार्केट आपको बड़ा गैप अप खोलता हुआ दिखाना तो सेल के अलावा और कोई प्लान नहीं है, ओनली एंड ओनली हम सेल करेंगे अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुला तो। इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, आज के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों पूरे के पूरे कहीं ना कहीं 12 बजे के बाद ही कंप्लीटली चेंज, यानी कि सेकेंड हाफ पे डॉट जैसे ही 12 बजे दोस्तों 12 बजे के बाद अपसाइड का मूवमेंट आया है, और आखिरी टाइम पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बीटीएसटी लिए होंगे यानी कि कॉल खरीद के गए होंगे दोस्तों, तो कल के दिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया तो डेफिनेटली जितने भी लोग कॉल खरीद के गए होंगे वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही, अपने बाय साइड पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों अगर कल के दिन मार्केट गैप अप खुल गया ना तो एक रेजिस्टेंस जोन पे खुलेगा, देखिए मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे खुला, एक रेजिस्टेंस जोन पे खुलेगा, उससे ऊपर मार्केट खुला तो एक रेजिस्टेंस जोन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर बड़ा गैप अप खुला ना तो यहां से आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा। तो गैप अप खुला तो सिंपल है, पहला जो भी 5 मिनट कैंडल बनेगा उसी का दोस्तों आपको लो टूटते ही पुट बाय करना है, अगर बड़ा गैप अप खुला और आपको लोअर लो बनता हुआ दिखा तो पुट बाय करना है, अगर बड़ा गैप अप खुला और आपको एक रेंज के अंदर मार्केट दिखा और रेंज टूटता हुआ दिखा तो पुट बाय करना है, अगर बड़ा गैप अप खुला एंड एम पैटर्न बना तो भी पुट बाय कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चले जाते हैं दोस्तों प्लान नंबर डी पे जो कि आखिरी प्लान है, और मैं हमेशा सेम प्लान ही बताता हूं, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं कॉल के तरफ जाएंगे क्योंकि प्रॉपर यहां पे सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, यहां पे सपोर्ट है, अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो डब्ल्यू पैटर्न बनते ही हम बाय करेंगे, हायर हाई दोस्तों बनते ही हम बाय करेंगे, सेलिंग का कोई चांस नहीं रहेगा अगर गैप डाउन कल के दिन मार्केट खुला तो। क्लियर है। 52,300 के आसपास क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, तो ये हमारे कॉल राइटर या हमारे पुट राइटर और 52,300 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया था, तो 52,400 पे देखोगे 300,000 कॉल राइटर, 52,500 जो एक राउंड नंबर है और वहां पे अच्छा खासा कॉल राइटर होना चाहिए बट नहीं है, ओनली 432,000 है और वो टूटने के बाद तो कॉल राइटर है ही नहीं, तो कहूंगा तो गलत नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर 92,000 131,000 तो कुछ खास कॉल राइटर है ही नहीं, तो 52,500 के ऊपर अगर कल के दिन लाइक ब्रेकआउट करके सस्टेन करना है तो डेफिनेटली दोस्तों हम कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जाएंगे। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पे अगर आप देखोगे 52,100 पे 300,000 से ज्यादा पुट राइटर, 52,200 पे 400,000 से, मतलब नीचे भी ठीक ठाक पुट राइटर है और ऊपर से हाँ 52,000 के लेवल पे जो राउंड लेवल है वहां पे 900,000 से ज्यादा पुट राइटर है, तो नीचे आने का चांसेस अब थोड़ा सा कम ही लग रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया। 52,000 के नीचे ही आप सोच सकते हैं डाउन की तरफ, ओके 52,000 जो राउंड फिगर है दोस्तों उसके नीचे। अब चले जाते हैं निफ्टी पे, निफ्टी भी सेम कंडीशन बैंक निफ्टी के जैसा क्लोज दिया है, प्लान नंबर ए अगर प्लेट खुला 26,356 आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखा, प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखा तो कॉल बाय करेंगे, 24,402 एबव कहीं ना कि आपको बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। इसके पीछे सिंपल रीजन है, देखिए 24,356 का जो लेवल है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, आज के दिन मार्केट गैप अप खुला था, निफ्टी थोड़ा सा डाउन आया, यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी किया कि नहीं, और अचानक से अगर आप देखोगे दोस्तों इतना बड़ा डाउनफॉल का मोमेंट दे दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर रेजिस्टेंस है, मार्केट आके आज के दिन इसी रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया है, कल अगर 26,356 के ऊपर निकलता है तो टारगेट आज का डे हाई 24,402 पे कहीं ना कहीं टच करेगा, और अबव मतलब आज का डे का हाई आप देख सकते हैं दोस्तों जो रेजिस्टेंस जोन है 26,402 के ऊपर अगर गया तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं
बाइंग की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। और प्लान नंबर अगर मैं बी की बात करूं तो 26,300 के नीचे आप पुट के तरफ जा सकते हैं अगर प्राइस एक्शन दिखा तो। रीजन सिंपल है, ट्रेंड लाइन, एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया अपसाइड का मोमेंटम, दूसरी बार टच किया फिर अपसाइड का मोमेंटम तो ट्रेंड लाइन टूटेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों लास्ट जो आप देख सकते हैं कि जो स्विंग है वो अगर टूट जाएगा ना, यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अपसाइड का मोमेंटम दिया एक डिप एंड देन अप, तो लास्ट जो स्विंग है एंड ट्रेंड लाइन दोनों एक साथ कनेक्शन बैठ रहा है तो 26,300 के नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है। बाकी तो दोस्तों गैप अप और गैप डाउन खुला तो आपको पता है क्या करना है, जो मैंने बैंक निफ्टी में कहा गैप अप खुला तो भाई सेल करना है क्योंकि रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस है तो कोई सवाल ही नहीं उठता बाइंग का, और गैप डाउन खुला तो बाय करना है, ठीक है। मतलब प्राइस सेक्शन दिखा तो ऐसे नहीं गैप डाउन खुलते ही ब्लाइंडली बाय करना है, प्रॉपर जो मैं सेटअप बता रहा हूँ वो होना चाहिए। 26,340 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी, सॉरी यार निफ्टी यार हड़बड़ी हो जाते हैं भाई, समझा करो थोड़ा सा। तो निफ्टी 26,400 के आसपास परफेक्ट, 26,340 इसी के आसपास क्लोज दिया है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेंज हो जाए वो अगले हफ्ते का ऑप्शन चेंज है, ठीक है, आज का ये नहीं है, आज का खत्म हो गया। तो 26,350 के आसपास जो क्लोज दिया है 24,400 क्लियरली रेजिस्टेंस है, 10 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, उसके आगे मुझे देखना ही नहीं पड़ा क्योंकि 2 लाख 6 लाख 3 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है। तो सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 26,400 के लेवल पे 10,01,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। नीचे की अगर मैं बात करूं 26,300 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग 19,58,000 से ज्यादा पुट राइटर, सो 24,300 बिलो पुट के तरफ, 26,400 एबव कॉल के तरफ। क्लियर है दोस्तों। अब चले जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये भी सिंपल है कल के लिए, अगर मार्केट प्लेट खुला इसी जोन पे थोड़ा 5-10 मिनट कंसोलिडेट हुआ एंड देन 12,451 आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखा था कॉल खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखोगे 12,451 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट खुला था एंड खुलते ही इतना बड़ा डाउनफॉल दिया था और शार्प डाउन मूव दिया था दोस्तों, और रिकवर करके उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है। आज के दिन दो बार इसी जोन के साथ इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किए, सो कल के दिन 12,451 अबव हम बाइंग करेंगे। नीचे का अगर मैं आपको लेवल कहूं तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अगर आप देखोगे दोस्तों एक बार ट्रेंड लाइन यहां पे टच करके ऊपर गया मिड कैप निफ्टी, दो बार टच करके ऊपर गया तो कल के दिन फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुला एंड देन ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया तो 12,400 पकड़ लीजिए लेवल, 12,400 बिलो हम कहीं ना कहीं पुट के तरफ जाएंगे। बाकी सेम है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन खुला तो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।